आज इत्तेफाक से मसाजिद के ताल्लुक से ही एक सवाल आया है, उसका उस सवाल का जवाब देने की सआदत हासिल करूंगा। सवाल यह है कि मस्जिद में क्या गैर मजहबी गुफ्तगू करना क्या हुक्म रखता है? तो गैर मजहबी, खुद सवाल में जवाब है कि गैर मजहबी मजहबी जगह नहीं करना चाहिए। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और इसके ताल्लुक से एक हदीस शरीफ में आया है कि मस्जिद में लगो बात, गलत बात और अल्लाह की इबादत से हटकर की जाने वाली बात पर अल्लाह ताला फिटकार मारते हैं और उसके जुर्म की सज़ा के तौर पर 40 साल इबादत को तल्फ कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इस एतबार से देख लीजिए कि क़यामत का करीबी ज़माना है और क़यामत के निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई गई है कि मसाजिद को बहुत ही रंग रौनक वाला डेकोरेटेड, फुल डेकोरेटेड करके बनाया जाएगा और आपस में तफाखुर करेंगे, फ़ख्र करेंगे कि हमारी मस्जिद बड़ी, हमारी मस्जिद में लिफ्ट, हमारी मस्जिद इतने फ्लोर की, हमारी मस्जिद इतने एरिए पर, हमारी मस्जिद के इमाम इतने बड़े, फलां फलां। और ये हो रहा है। हरमैन शरीफैन आज से 50 साल पहले जो नूरानी मंजर पेश करते थे, आज देख लीजिए कि डेकोरेटेड करके वहाँ के तकद्दस को इतना पामाल करे, चूँकि ये बदअकीदा हैं, बिदती फ़िरक़े के हैं, यहूदियों के एजेंट हैं, इस वजह से काबतुल्ला के दामन में ही इतना बड़ा टावर बनाकर बता दिए कि काबतुल्ला नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई हैसियत नहीं रखता, जबकि काबतुल्लाह अल्लाह का काबा है, उसकी तोहिन करने वाले डायरेक्ट जहन्नम, डायरेक्ट जहन्नम में जाए। तो इस तरह मसाजिद में गैर मजहबी गुफ्तगू करना सरासर जुर्म है, नहीं करना चाहिए। मस्जिद सजदा यस्जुदो, मस्जिद से बना है सजदा गाह, तो सबसे पहले मस्जिद जिसको सजदा कर रहे हैं उसकी ज़ात को पेश नज़र रखिए। उसका घर है तो उसके घर में कैसी रेस्पेक्ट करना चाहिए, घर वाले की सरपरस्ती में अगर घुसते हैं तो घर वाले के बड़े को देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ से चिढ़ता है, कौन से लिबास से, किस स्टाइल को पसंद करता है। जैसे मुँह उठे नहीं आना चाहिए मस्जिद में। मस्जिद में हत्ता ये कि मस्जिद के एहतराम के सिलसिले में बता दिया गया कि मस्जिद में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज़ से सलाम नहीं करना है, और आमीन बिल जहर शुरू में जायज़ था, इसीलिए रोका गया कि उसकी वजह से दूसरों को खलल होता है। एक आध अहले हदीस आकर ज़ोर से आमीन कहता है तो देखिए आप खुद ब खुद डिस्टर्ब होते हैं, इसीलिए रोका गया है। और आज का सबसे बड़ा जो बेदबी का मामला है वो है सेलफोन। मस्जिद में सेलफोन, मस्जिद में आ रहे हैं तो पहले मेंटली प्रिपेयर होकर आइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके घर में जा रहे हैं। तो उसके लिए तो कनेक्शन दूसरी तरफ से तोड़ने के बाद ही इधर कनेक्शन मिलेगा, वो नेटवर्क को क्लोज करेंगे, कम से कम म्यूट करेंगे तो इधर लगेगा, नहीं तो फिर उधर का कनेक्शन जारी है, उधर का नेटवर्क शुरू है, तो फिर चुनाचे ऐसे ही होता। नमाज में ठहरते ही शैतान लगाता कि चलो फोन आ गया। अच्छे भले रहते, बिजनेस की जगह बैठे रहते, वहाँ फ़ोन नहीं आता, या नमाज में आते कि फ़ोन आना शुरू हो। तो आइए इस्तेमाल करने की जगह, इस्तेमाल हर चीज़ को इस्तेमाल करने के तरीक़े। तो अब इस हिसाब से अब मसाजिद को देख लीजिए आप, फी ज़माना दुनिया भर की मसाजिद को सियासी अड्डे बना लिया गया, फ़ज़ाइल रमज़ान के नाम पर, यौम कुरान के नाम पर मुख्तलिफ बखेड़े, सियासी उलट पुलट, उसकी दाढ़ी इसकी पगड़ी सब नापा तोली है। अरे अल्लाह के, अल्लाह का घर है, सिर्फ यहाँ पर अल्लाह की बातें होनी चाहिए, 12% रिजर्वेशन की बात नहीं होनी चाहिए। वो पार्टी उसको गिरा रही, वो पार्टी उसको गिरा रही, ये कर रही, मस्जिद में यही हो रहा है, यही जुर्म हो रहे हैं। या फिर मसाजिद में आने के बाद लोग मुख्तलिफ किस्म की कुदूरतें नहीं रखना चाहिए, सफ में ठहरते ही अगर बाजू खातिल भी है तो उसको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि सफ यही सिखाता है, सफ का अदब यही सिखाता है कि ये मकाम ऐसा है कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो मजहबी एतबार से मस्जिद बहुत ही एहतराम की जगह है, इसे सियासी प्लेटफॉर्म बना लिया गया, मुख्तलिफ पार्टीज अपने अपने पार्टी के प्रचार के लिए मस्जिद मसाजिद को इस्तेमाल कर रहे हैं।
और जो मसाजिद आबाद करना है वो नहीं, बल्कि जो मस्जिद टूट चुकी है उसके पीछे अपनी सियासत की दुकान को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं। जो मसाजिद महल्ले की मसाजिद, और बहुत सारे बदबخت ऐसे होते हैं कि अपनी मस्जिद को छोड़कर दूसरी मस्जिद में जाते हैं। इस मस्जिद का हक है जिन पर, उनसे क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुम इस मस्जिद को छोड़कर दूसरी मस्जिद को क्यों गए। अगर बीच में दूसरे अकीदे की है तो छोड़ना है, लेकिन अपने अकीदे की है तो नहीं छोड़ना है। तो बहरहाल मस्जिद बहुत ही एहतराम की जगह है। यहाँ पर गैर मजहबी गुफ्तगू यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला के सामने आकर अल्लाह ताला से गलत अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये एहतराम के ख़िलाफ़ होगा। एहतराम ये है कि हर हिसाब से आदमी का एटीट्यूड भी मजहबी हो, लिबास भी मजहबी हो। अल्लाह के घर में आ रहे हैं, एक फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री का जो लिबास होता है वही पहनते हैं, एक कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी का जो यूनिफॉर्म होता है उसी को मेंटेन करते हैं, जहां बैज लगना है वहीं पर बैज, जो कलर है वही कलर, जितना लिबास पहनना जितना, टाई कंपलसरी तो टाई लगाते हैं। मस्जिद में आते हैं तो टोपी कहाँ ज़रूरी है, इंशाल्लाह ये हॉट टॉपिक पे भी बहुत करीब में, ये 10 दिन बचे हुए हैं ज़रूरी ज़रूरी मसाइल पर, टोपी और दीगर चीज़ों पर आप दाढ़ी के ताल्लुक से, ये अहम मौजूदात पे इंशाल्लाह मुदल्लल अंदाज में आपके सामने पेश किया जाए। तो मस्जिद में इंटर होते वक्त ये देखना है कि अल्लाह के घर में, बैतुल्लाह अल्लाह के घर में दाखिल हो रहे हैं, तो लिबास वजा खता जाहिर बातिन दिल हर चीज़ पाक होना, अल्लाह के घर में आ रहे हैं। तो अल्लाह के घर में आ रहे हैं तो अल्लाह वाले और अल्लाह वालों के जैसे बन के दाखिल होना, तभी इबादतों में हलावत आएगी। वजू करने के बाद चेहरे चमकेंगे और इबादतों के बाद आदमी की खिस्मत जागेगी और आखिरत सुधरेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।